तो ये देखिए आसिफ कितना जल्दी जल्दी यार आई, इसको माजा पीने का इतना जल्दी है भाई। जल्दी जल्दी आसनसोल जंक्शन पे ये माजा के लिए हम लोग काउंटर पे जा रहे हैं, देखते हैं इधर माजा मिलता है या नहीं। वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस फिलहाल आज एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और मैं कोलकाता से अभी निकल रहा हूँ। अब ट्रेन में सुबह से मतलब टाइम नहीं मिला, इतना हैक्टिक डे था आज, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। सुबह 8:05 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे घर। तो फिलहाल मैं गांव जा रहा हूँ यहाँ से, यानी कोलकाता से हमारा जो ट्रेन है वो गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस है, जो कल मुझे दिखवाड़ा पहुँचाएगा। तो भाई आज का मैं फुल जर्नी दिखाने वाला हूँ आपको इससे गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज मैं अकेले नहीं, आज मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली जा रही है। तो अभी मैं अपर बर्थ में आके बैठ गया हूँ और बाकी लोग नीचे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हैं, सीट दी है यहाँ पे, देखिए सब लोग बैठे हुए हैं इस साइड में। गजल अम्मी बेटी एंड लास्ट में आसिफ बैठा हुआ कुछ इस तरह का सीन है। और पापा इस साइड में बैठे हुए हैं, मैं बाद में दिखा दूँगा, अभी मैं ऊपर में हूँ। तो मुझे ना अभी लगी है भूख और अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप मेरा खाना देख सकते हैं, मैंने निकाल के रख लिया है ये मेरा खाना। तो बस अभी फटाफट से चलते हैं और खाते पीते हैं। तो वही देखिए, ये आसिफ अब ऊपर चढ़ रहा है और आसिफ आज हम लोग के साथ जर्नी कर रहे हैं। सही से भाई चढ़ जाएगा, पकड़ के चढ़, गिरना मत। आज आ जा इसको पैरा पैरा, आ जा आ जा आ जा आ गया। तो देखिए आसिफ बैठ गया, आसिफ का आँख अभी थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा अभी थोड़ा प्रॉब्लम है आँख को लेकर। फिलहाल मैं अभी खाना खाता हूँ। खाना में मेरे पास सब्जी है और इधर सत्तू वाला पराठा है, यानी सत्तू बड़ा रोटी है। तो फटाफट से खा के इसको खत्म करते हैं। तो भाई फाइनली अभी सो रहे हैं ये, क्योंकि खाना पीना हो गया। अब ट्रेन निकल रहा है, आगे में बहुत स्पीड चल रहा है, सोच रहे चलिए अब सो लेते हैं, सोने के बाद फिर आप कल तो मिलेंगे फिर आप। तो भाई इस ट्रेन की पहली स्टॉपेज दुर्गा नगर, यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी है और यहाँ से फिर निकल रही है। भाई अभी आसिफ कह रहा है कि मुझे कुछ खाना है, लेकिन ये भाई साहब का बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है। ये बोल रहे हैं कि हर स्टेशन पर ट्रेन क्यों नहीं रुक रहा है। तो मैंने इन्हें बताया ट्रेन हर जगह नहीं रुकती है। और अभी हम बोले हैं कि चलिए 5 मिनट के बाद आसनसोल जंक्शन आएगा, तो वहाँ से हम लोग कुछ खरीद लेंगे आसिफ के लिए। आसिफ थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद हम लोग इजली खरीद लेंगे, ठीक है? तो आसिफ ने बोला ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते, इधर का आपको सीन दिखाते हैं। अप्रॉक्स सभी लोग सो गए हैं। आसिफ तुम्हें नींद नहीं आ रही है? ये भाई साहब को नींद भी नहीं आ रही है, जल्दी से सोएगा, बोला अभी मजा पिएगा। है ना आसिफ, क्या पीजिएगा, क्या पीजिएगा? मजा पीजिएगा, ठीक है। आसनसोल हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ से फिर मजा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आसिफ कितना जल्दी जल्दी यार आई, इसको मजा पीने का इतना जल्दी है भाई। जल्दी जल्दी आसनसोल जंक्शन पे ये मजा के लिए हम लोग काउंटर पे जा रहे हैं, देखते हैं इधर मजा मिलता है या नहीं। तो भाई इधर हम लोग को मजा नहीं मिला यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू बिहार, बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुँचे हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन, यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है। हालांकि पटना जंक्शन में भी रुकी हुई थी, लेकिन मैं वहाँ पे ज़्यादा देर बाहर नहीं निकला। और यहाँ से अब हमारी ट्रेन निकलेगी, तो मुझे उतरना है दिगवाड़ा। और देखिए आसिफ, देखिए सबसे पहले जग चुका है कब से। आसिफ बहुत क्यों करता है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं आसिफ के माइंड में। और भी क्वेश्चन कर सकते हो, करोगे तो अभी इस बार जो हमारे सब्सक्राइबर्स लोग हैं वो लोग आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, ठीक है। बोलो आसिफ, अब हम लोग जगह देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग जो दिग्गा का जो न्यू ब्रिज है ना, उसके नीचे से अब निकलेंगे हम लोग। ये ऊपर में उस साइड में देख सकते हैं, वो जो उस साइड में दिखाई दे रहा है ना, उस साइड में वो है दिग्गा ब्रिज की तरफ जाने वाला रास्ता। तो अभी हम लोग जस्ट दिग्गा ब्रिज के नीचे से निकलेंगे। ये देखिए गंगा नदी भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा आपको गंगा नदी दिखाई दे रहा है? हाँ। और क्या दिखाई दे रहा है भैया? ये देखिए हम लोग आ गए ब्रिज के ऊपर। ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ना, ये ब्रिज के ऊपर का साउंड है। अब ज़्यादा करेंगे ना ऑयल गिर जाएगा ना। तो
भाई फाइनली 6:30 में दिघवारा पहुंच गए हैं और यहाँ सब सामान उतार लिए हैं। कुछ सामान है जो यहाँ आप नीचे में है, तो इस सब सामान को अब लेके चलते हैं। गाड़ी आई हुई है तो वहाँ से अब गाड़ी लेकर सीधा घर निकलेंगे। चलिए अब मिलते हैं आपसे घर पे। यहाँ पे आसिफ बैठ गया ऑटो में, टन टन चला आसिफ। आसिफ भाई बोल रहा है तो ऑटो में अभी हम लोग बैठ गए। चलिए ऑटो अब स्टार्ट होती है इधर से और सामान अपना हो गया रेडी। फाइनली आ गए घर पे और इधर देखिए, सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ तामिर से। ये तामिर है। तामिर भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। अब तामिर को देख लिए, अभी आसिफ है इधर और इधर कौन है? आयत है। आयत का हम नाम भूल गए थे। तामिर फाड़ के फेंकेगा, फाड़ के फेंकेगा। हाँ उसको रखना। देखिए अभी हम सबको 2,000 का नोट दिए हैं, ऐसे ही ये लोग पार्टी वार्टी करेंगे। यहाँ पे देखिए इनको, और इनको भी मिल चुके हैं। ये भी नकली, तो दे दो ला इधर, नकली है तो दे दो। देखिए भाई 2,000 का नोट इनको नकली लग रहा है। ये जा जा जा, तुम्हारा गया ऑफर खत्म। अब ये पैसा मिल गया आलिया को, है ना तामिर? हाँ। अब क्या खरीदोगे तामिर? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा भाई, फिर तुम भी नकली बोल रहे हो, तुम्हारा ही पैसा छीन जाएगा। तो अभी फिलहाल अभी घर पे आ गए हैं और इन लोगों के साथ थोड़ा मस्ती वस्ती होगा, उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग शूट करते हैं।